हीरा लाल सिंह खवार। सर आज यहाँ पे धर्म संख्या में सतों पर उतरे हैं आप, क्या है इनकी मांगे? हमारी मांगे हैं कि हम पहले ट्राइब थे, आज भी ट्राइब है और कल भी रहेंगे। एज पर ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वंस ए ट्राइब ऑलवेज इन ट्राइब। मैं जिस दिन पैदा हुआ हूँ 1949, उस दिन मैं एबोरिजिनल लिस्ट में था और हमारे जन्म के 1 साल 4 महीना 25 दिन बाद, दैट वाज द डेट 6 सितंबर 1950, होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंट्रीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम डिपार्टमेंट में हमको हमारे सारे एबोरिजिनल लिस्ट के 13 ट्राइब्स को शेड्यूल लिस्ट में डाला, एक को छोड़ के, दैट वाज द टोटेमिस्टिक कुड़मी, 12 को डाल दिया और एक हमारे टोटेमिक कुड़मी को छोड़ दिया ड्यू टू लैक ऑफ द स्पेलिंग। मिस्टर पटेल वाज द चेयरपर्सन ऑफ द होम डिपार्टमेंट और मिनिस्टर ऑफ द होम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर, दैट इज हिज मिस्टेक। Perhaps he also belong to the Kurmi or cultivated community of the Gujarat. I think this is same, but we are not so. So, हमारे 14 MPs under the leadership of the Dr. Hriday Narayan Kujur on the 15th December 1950, they submit a memorandum. They complain it. The Kurmis of Didaning Chotanagpur Division, including Bengal and Odisha, was ST. After 7 days, Mr. Patel died. एक सप्ताह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो जाती है और होम डिपार्टमेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंट्रीम गवर्नमेंट, इंट्रीम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास जाता है फाइल और जवाहरलाल नेहरू ने 19 फरवरी 1951 को बोला एक चिट्ठी के माध्यम से कि जो 31 का सेंसस में जो लोग प्रिमिटिव ट्राइब में हैं उनको जो है शेड्यूल लिस्ट में डाला जाएगा, इंडिया का शेड्यूल लिस्ट में उसको डाला जाएगा, किंतु आज तक नहीं डाला। और ये नतीजा हुआ नहीं डालने का, वे लोग प्रपोज नहीं करने का, उस इंट्रीम गवर्नमेंट में के जो 14 MPs थे, वो 14 MPs फर्स्ट इलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत का पहला जो चुनाव हुआ 52 में, वो 14 MPs हार गए। हमारे पुरुलिया से थे खुदीराम महतो, वो भी हार गए। हमारे मानभूम से थे खुदीराम महतो, MP ऑफ द इंट्रीम गवर्नमेंट, ही वाज ऑल्सो डिफीटेड बाय लोक सेवक संघ MP क्या रे भोजहरी महतो, एंड ऑल्सो इन अदर प्लेसेस, ऑल सिटीज ऑफ द छोटनागपुर, दिदानिंग छोटनागपुर, देर वॉज ए पुरुलिया वॉज नॉट इन वेस्ट बंगाल, इट वॉज इन द छोटनागपुर, इट वॉज ऑन द दिदानिंग बिहार, एंड बिहार इज नॉट ये स्टेट कंप्लीटली एज पर सेंसस रिपोर्ट, जी छोटनागपुर ऑलवेज मेंशन, छोटनागपुर प्रोविंस, इन 11 का रिपोर्ट में, 1 का रिपोर्ट में, 21 का रिपोर्ट में, 31 का रिपोर्ट में, सब में लिखा हुआ है छोटनागपुर प्रोविंस। इसलिए हमारा छोटनागपुर में DC होता था और अदर्स बिहार में, अदर्स बंगाल में, अदर्स उड़ीसा में DM हुआ करता था। दिस इज द बेसिकली डिफरेंस एंड मोर पावर, मोर एग्जीक्यूटिव पावर टू DC देन DM। तो आज हम लोग आवर कल्चर यू जस्ट सी, हमारा अपना कैलेंडर है, हमारा कैलेंडर के अनुसार आज जोड़ा ये दोना जाड़ मास खोरोवार 2768 मानव शब्द हमारा ओल्डेस्ट कैलेंडर है। और हमारा न्यू ईयर डे, दैट वाज द अखंड, ऑन दैट डे सूरज का उत्तरायण में प्रवेश, ऑन द अर्ली ऑफ द मॉर्निंग ई प्लो वी टिल द लैंड अप टू 2.5 राउंड, अढ़ाई पाक हम हार जोतते हैं और आफ्टर द टिलिंग द लैंड वी वर्शिप आवर
कैटल, हम अपने बैल को भैंस को जो है सो उसके माथा में सिंह में सिंदूर तेल और पैर को धो के उसके आंचल से आशीर्वाद लेते हैं कि हमारा फसल नेक्स्ट ईयर भी अच्छा हो। और अभी हमारा जाड़ मास जो चल रहा है, आप बोलते हैं ये अशुभ मास होता है, कोई बोलता है ये खर मास होता है, किंतु ये मेरा पवित्र मास है। अभी हमारा टुसु मोनिका गोहगान चल रहा है, अभी हर एक संध्या को पूरे महीना का पूरे दिन का हम वंदना करते हैं और विथ कैटल्स। हमारा सॉन्ग में ही है कि गाय आवली बाछुरी आवली आवली भोगो बोती गो, सांझ लेगो संध्या लेगो लेगो दिया बाती गो, सांझ लेके घर संभाली घारे कुलो बोती गो। वही हमारी लक्ष्मी है, गाय ही हमारी लक्ष्मी है। और उसमें हमारा क्या रहता है, उस टुसु में एक एक गोबर, गोबर का एक लड्डू और उसमें हमारा डीनी माए का थोड़ा सा पैडी, यही अवर टुसु फेस्टिवल जो एक महीना तक चलता है। और उसको हम जो ऑन द डे ऑफ द संक्रांति उसको हम भसान कहते हैं, टुसु मसीह का विसर्जन करते हैं। और ये जो है हमारा अखान, ये सॉरी क्या कहते हैं डिनी उठान, वही दिन हम टुसु को इस्टेब्लिश करते हैं, बताते हैं। सर कहाँ से आए ये सब? ये हम लोग जो है सो झारखंड वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। प्रदर्शन नहीं कर सके हैं चूंकि वी आर द ट्राइबल पीपुल, वी आर वेरी पुअर पीपुल, वी आर सो लिव इन द रिमोट एरियाज ऑफ दिस, वी आर नॉट फाउंड इन टाउन एंड सिटीज ऑफ द झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, प्योरली वी आर द मैंने रिमोट एरियाज पर्सन, वी ऑल आर द पीजेंट। मिलना चाहे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है वंस ए ट्राइब ऑलवेज इन ट्राइब, हम पैदा हुए उस दिन हुआ तो वायलेशन ऑफ द सेक्शन 14 इक्वलिटी बिफोर दी लॉ, कानून के नज़र में सभी बराबर होना चाहिए। तो हम क्या अपराध किए हैं कि हम पैदा हुए उस दिन हम आदिवासी थे और एक साल चार महीना 25 दिन बाद हम हट गए, हमारे में क्या चेंज आए, हमारा जितना लॉस हुआ मतलब आपको एसटी में नहीं जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया है, यू आर नॉट प्रिविलेज। हैं अभी किस में है वो? हमारी तो जो डॉक्यूमेंट है उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, वो उस स्पेलिंग देता है कुर्मी कह के, तो कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं कुछ लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम हाँ वो दस्तावेज चाहता है, तो दस्तावेज में हमारा धर्म नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर यह सिर्फ लिखता है कि योर ऑक्यूपेशन इज टू कल्टिवेट टू टिल द लैंड, ये लिखा हुआ है।